साहिब श्री गुरु नानक देव जी के 550 प्रकाश पर्व के अवसर पर कनाडा की धरती से बस में सवार होकर तकरीबन सितारा 14 देशों से होती हुई एक बस आज श्री आनंदपुर साहिब पहुँचे, जिसका तख्त श्री केशवगढ़ साहिब पहुँचने पर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मेंबर भाई अमरजीत सिंह चावला और तख्त श्री केशवगढ़ साहिब के हेड ग्रंथी फूला सिंह ने बस लेकर पहुँचे। श्रद्धालुओं का भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर बस लेकर पहुँचे हुए श्रद्धालुओं ने बताया कि वह कनाडा से यात्रा शुरू करके पाकिस्तान होते हुए अलग अलग धार्मिक स्थलों पर जाते हुए आज श्री केशवगढ़ साहिब पहुँचे हैं। उन्होंने कहा कि यह यात्रा सारा अलग अलग मुल्कों से होती हुई भारत पहुँची है। वहीं उन्होंने कहा कि इस बस को तैयार करने के लिए, इस बस का सारा खर्चा करने के लिए कनाडा में रहने वाले एक पाकिस्तानी मुसलमान ने आगे बढ़ा। उन्होंने कहा कि आमिर खान नाम का व्यक्ति मुसलमान होने के बावजूद भी साहिब श्री गुरु नानक देव जी के 550 प्रकाश पर्व के अवसर पर गुरु साहिब को सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए इतना उत्सुक था। इस यात्रा के ऊपर खर्चा आया है, वह सारा खर्चा अपनी ओर से किया है। वहीं उन्होंने बताया कि यह यात्रा तकरीबन 21,000 किलोमीटर बाय रोड पूरी की गई है। इसके अलावा थोड़ी यात्रा के दौरान इस बस को समंदर के रास्ते शिप में भी एक मुल्क से दूसरे मुल्क तक लेकर जाया गया। आज खालसा की जन्मभूमि श्री आनंदपुर साहिब पहुँचे इन श्रद्धालुओं ने भी सभी को श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के मुबारकबाद दी। वहीं खुशी महसूस की कि बेशक वह बूढ़ी उम्र के हैं, लेकिन फिर भी साहिब श्री गुरु नानक देव जी के आशीर्वाद के चलते वह अपने मिशन में पूरे सफल हुए हैं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मेरा नाम सुरजीत कौर आ, असी मोंट्रियल रहने हैं। उत्थों के जो असी टोरंटो तो यह प्रोग्राम पीस दा शुरू किया सीगा, ते साडे नाल होर भी भैण ते भरा सीगे, सारिया ने असी बहुत अच्छी तरह यह प्रोग्राम किया। ते रास्ते दे विच जिथे गुरद्वारे आउंदे सीगे पैरस रान, उत्थे असी गुरद्वारियां दे विच ठहरदे सीगे। जिथे गुरद्वारे नहीं सी, असी विच लंगर बनाउंदे सी, सारे रल के लंगर बना के इकट्ठे, सारे एक जना प्याज कटदा सी, दूसरा टमैटो कटदा सी, सारे ने असी रल के लंगर बनाना, ते लंगर सारे ने प्रशादे बना के इत्थे छकना। ते असी सारे जिन्हें भी नाल असी सारे जाने आए, सारे दी सेहत बहुत अच्छी रही आ। मैं उस गुरु महाराज दा बहुत बहुत शुक्र करदी हाँ, 550 साल दियाँ सारे जगत नूं बधाई दिंदे आ। वाहे खालसा फिर जी। दसदा नाम रणजीत सिंह खालसा, एडमिंटन अलबर्टा तो रहने वाला मैं। सो भाई साहब, पूरी यात्रा के एडा लंबा सफ़र जो बस तुम चलाई है, अलग अलग मुल्क ट्रैफिक रूल्स, अलग 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 कल्चर के लोग, सड़क अलग अलग तरह दिया, हिंदुस्तान दड़क तोड़िया है ना, स्टेयरिंग पुठे पासे, किमें एक्सपीरियंस रहा थोड़ा ये बारे दस। देखो जी, जो गुरु का हाथ सिर देवे ना, कुछ भी नहीं फर्क लगता जी। मैंने दोनों एक ही लगते, साड़ी ड्राइविंग उही लगती है, इतना भी 19 का फर्क ही है, बहुत फर्क नहीं है। सो असी गुरु नानक साहब का, उस दसवें पातशाह का शुक्र गुजार हाँ। मेरा स्नेहा कौम नूं किरत करो, नाम जपो, वंड छको, सिख कौम अगे हाथ जोड़ के बेनती आ, 71 हो गए, कुछ कौम दे भिख ली सोच लो। मेरा तो स्नेहा है, असं बहुत इंजॉय किया आ, मेरा बड़ा गला पेड़ा क्योंकि मैं बहुत बोल नहीं सकता। वाहगुरु जी का खालसा, वाहगुरू जी की फतेह। असी 15 के विचों कुछ क इटली तो मुड़ गया, कुछ स्विट्जरलैंड तो मुड़ गया, क्योंकि टाइम बहुत सगा, कई जॉबां की प्रॉब्लम सी। फिर असी 8 आदमी सके, जेडे 8 सिंघां ने असी पाकिस्तान का बॉर्डर पार किया। फिर जेडे साडे उत्थों छड के गए सी, वो मुड़ के फिर आ गए। फिर असी 12 आदमियों ने बॉर्डर पार किया इंडिया का, वाघा बॉर्डर पार करके, तो हूँ वो घर चले गए, तो असी ये लै के घूम रहे हैं, तो अज पातशाह के दर ते आए हैं मत्था टेकन वास्ते, तो अरदास करन वास्ते, जो सक्सैसफुल सानू दित्ती है सतगुरु सच्चे पातशाह ने, खालसा की राजधानी दे पहुँचे हैं। तो इत्थों असी जावांगे ग्वालियर, ग्वालियर तो होंदे हुए हजूर साहब, हजूर साहब तो असी बंबे जाके इनू शिप करन, शिप वापस करांगे। उत्थे बंबे वालिया ने सत श्री अकाल एक चैरिटेबल, उन्होंने सानू स्पोंसर किया बॉर्डर तो लैके बंबे तक, तो वो साढ़े पास आके बैठे ने, वो दिल्ली आ,
ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਪੂਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੰਬੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕਾਫਲਾ ਬਣਾ ਕੇ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ ਸਾਰੀ ਜਰਨੀ ਜਿਹੜੀ? ਜਰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਸੀਗਾ ਪਰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਜੇ ਆਪ ਉਹ ਪੈਦਲ ਤੁਰ ਕੇ ਚਾਰ ਉਦਾਸੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਜਣੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜੋ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝੀਏ ਅਤੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਦੋਹਾਂ ਨੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤੜਫਿੜ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਸੁਨੇਹਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਾਰਡਰ ਆ ਯੂਰਪ ਦੇ, ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਬਾਘਾ ਬਾਰਡਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਉੱਧਰ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ ਆ। ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਪਿੱਛੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਹੱਸ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬੇ ਦੀ ਮਿਹਰ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰ ਰੱਖੀ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਚੱਲਿਓ ਹਾਂ ਜੀ, ਗਾਹਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।